गुप्त वंश भारतीय इतिहास में एक स्वर्ण युग माना जाता है। यह वंश 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक चला। इस वंश के दौरान भारत ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अत्यधिक प्रगति की। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। इनके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त और नरसिंहगुप्त ने शासन किया। गुप्त वंश के प्रमुख शासक चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 ईस्वी, इन्होंने गुप्त वंश को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया। समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी, इन्हें भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक माना जाता है। इन्होंने अनेक राज्यों को पराजित कर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 415 ईस्वी, इन्होंने गुप्त साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचाया। इन्होंने चीन, फारस और रोमन साम्राज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी, इन्होंने हूनों के आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोका। गुप्त वंश की उपलब्धियां। राजनीतिक। गुप्त वंश ने भारत में एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया। इस वंश के दौरान भारत में राजनीतिक स्थिरता और समृद्धि का दौर रहा। सामाजिक। गुप्त वंश के दौरान सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया गया। जाति व्यवस्था में कुछ ढील दी गई। महिलाओं को शिक्षा और अधिकारों में समानता प्रदान की गई। आर्थिक। गुप्त वंश के दौरान व्यापार और वाणिज्य में अत्यधिक प्रगति हुई। कृषि और उद्योगों का भी विकास हुआ। मुद्रा प्रणाली में सुधार किए गए। सांस्कृतिक। गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस वंश के दौरान कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई। कालिदास, आर्यभट्ट, वात्स्यायन, वाराहमिहिर और विष्णु शर्मा जैसे महान विद्वानों ने इस वंश के दौरान जन्म लिया। गुप्त वंश का पतन। गुप्त वंश का पतन कई कारणों से हुआ। इनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं। आंतरिक कलह। गुप्त वंश के अंतिम शासकों के बीच आंतरिक कलह बढ़ गई थी। हूनों का आक्रमण। हूनों ने भारत पर बार बार आक्रमण किए, जिससे गुप्त साम्राज्य कमजोर हो गया। आर्थिक संकट। गुप्त वंश के अंतिम शासनकाल में आर्थिक संकट पैदा हो गया था। गुप्त वंश का पतन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस वंश के पतन के बाद भारत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया।